हेलो दोस्तों, नमस्कार। हुंडई मोटर्स ने अपनी शानदार और प्रीमियम एसयूवी हुंडई क्रेटा को ऑटो एक्सपो में पेश कर दिया है और हुंडई बहुत जल्द अगले महीने 17 मार्च को इस कार को ऑफिशियली लॉन्च करेगी। तो आज की वीडियो में हम इसी कार के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे कि यह नई आने वाली हुंडई क्रेटा में आपको कौन से नए फीचर्स मिलने वाले हैं, इस कार में आपको कौन सा इंजन मिलने वाला है, कौन से सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे। तो इन सारी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और जो आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आगे भी ऐसी नई नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। अब अगर फ्रेंड बात करते हैं इस नई हुंडई क्रेटा के बारे में, तो ये नई हुंडई क्रेटा पुरानी क्रेटा के मुकाबले काफ़ी शानदार और प्रीमियम रहने वाली है। इसके एक्सटीरियर के लुक पहले से काफ़ी शानदार हैं। इसके एक्सटीरियर में आपको न्यू डिज़ाइन फ्रंट ग्रिल मिलने वाली है। इसके अलावा इसमें आपको बीच में हुंडई की बैचिंग मिल जाएगी। न्यू वाले प्रोजेक्टर में हेडलैम्प मिलने वाले हैं। नीचे आपको प्रोजेक्टर में फॉग लैंप्स मिलने वाले हैं। फ्रंट में और रियर में आपको सीट प्लेट मिल जाएगी। ऊपर आपको रूफ रेल मिलने वाली है। इसके अलावा इस कार में आपको ऊपर सार्फिज एंटीना, डीफोगर ग्लास एंड वॉशर वाइपर, एलईडी में टेल लैंप, नीचे आपको एलईडी में फॉग लैंप, और इसके अलावा इस कार में आपको R60 इंच एंड R70 इंच के न्यू वाले एलॉय व्हील भी मिलने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये कार पहले से काफ़ी स्पोर्टी और काफ़ी लग्जरियस लगने वाली है और इसके एक्सटीरियर के लुक काफ़ी शानदार रहने वाले हैं। वहीं इस कार में मिलने वाले इंजन के बारे में बात करें तो ये नई वाली हुंडई क्रेटा पहले से काफ़ी पावरफुल और फ्यूल एफिशिएंट होने वाली है। इस कार में आपको BS6 कंप्लाइंट 1.5 लीटर पेट्रोल, 1.5 लीटर डीजल एंड 1.4 लीटर टर्बोचार्ज इंजन मिलने वाला है। इसके अलावा इन इंजन के साथ आपको मैनुअल ट्रांसमिशन, CVT ट्रांसमिशन और बेस्ट टेक्नोलॉजी DCT ट्रांसमिशन का भी ऑप्शन मिलने वाला है। अब अगर बात कर ले इस कार में मिलने वाले इंटीरियर के बारे में, तो इसके इंटीरियर के लुक पहले से काफ़ी प्रीमियम दिखते हैं। तो इसके इंटीरियर में आपको न्यू सॉफ्ट टच डैशबोर्ड मिलने वाला है। बीच में आपको 10 इंच प्लस की इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलने वाला है, जो सपोर्ट करेगा एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, नेविगेशन, FM USB एंड ऑक्सिलरी जैसे शानदार फीचर्स को। तरह फ्रेंड, इसके इंटीरियर में आपको पुश स्टार्ट टॉप बटन, ऑटो क्लाइमेट AC, सीट हैग एडजस्टेबल, वायरलेस चार्जर, कूल ग्लो बॉक्स, रियर AC वेंट, कप होल्डर, रियर सीट बैक पॉकेट, MID डिस्प्ले एंड फुल पैरानामिक सनरूफ जैसे शानदार फीचर्स इस कार में आपको मिलने वाले हैं। वहीं अगर सेफ्टी की बात करते हैं, तो इस कार में सेफ्टी के मामले में कोई कमी नहीं रहने वाली है। इस कार में आपको सेफ्टी के सारे फीचर्स मिला करेंगे। इस कार में आपको 4 डिस्क ब्रेक, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल और एयरबैग, ABS विद EBD, ब्रेक असिस्ट, सीट बेल्ट रिमाइंडर ड्राइवर एंड को ड्राइवर, हाई स्पीड अलर्ट, सीट बेल्ट रिमाइंडर एंड फोर्स लिमिटर, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट, हिल हुल कंट्रोल, रिवर्स पार्किंग सेंसर जैसे शानदार सारे सेफ्टी के फीचर्स इस कार में आपको मिलने वाला है। वहीं अगर हम बात करते हैं इस कार के प्राइस और लॉन्च डेट की, तो इस कार की प्राइस आपको 10 लाख से शुरू होकर 15 लाख तक इस कार की प्राइस रेंज जाने वाली है। और बात करते हैं लॉन्च डेट की, तो अगले महीने मार्च में 17 तारीख को इस कार को ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। जो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।